माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि क्या हमें अपने एमएस टकाटा का अकाउंट पे अपना मोबाइल नंबर लिंक करना चाहिए। दोस्तों, लिंक करने से दोस्तों उसका फायदा क्या होने वाला है एंड दोस्तों उसका नुकसान क्या होने वाला है, दोनों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपको कैसे अपना मोबाइल नंबर एमएस टकाटा का अकाउंट पे लिंक करना है वो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, आप सभी का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे आप अपने मोबाइल नंबर को अपने एमएस टकाटा आईडी से लिंक कर सकते हैं। तो चलिए मैं चलता अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आपको करके बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि उसके नुकसान क्या है एंड उसके दोस्तों फायदे क्या होने वाले हैं। अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहां पे आपको अपना एमएस टकाटा अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद गाइज आपको अपना प्रोफाइल ओपन करना है एंड प्रोफाइल ओपन करने के बाद गाइज आपको 3 डॉट का ऊपर में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, एंड सबसे नीचे में आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसी पे सेटिंग पे क्लिक करना है। और तो सबसे ऊपर में दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा लिंक योर फोन नंबर टू सिक्योर योर अकाउंट, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक करने का ऑप्शन देगा। नहीं तो आपको अगर ये नहीं दिखा रहा है दोस्तों तो यहाँ पे आपको मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है। मैनेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोन नंबर लिंक करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लिंक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा कुछ इस तरह से ओपन हो गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपना हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है दोस्तों, और उस मोबाइल नंबर पे यहाँ पे ओटीपी भी जाएगा, तो आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए एंड उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा कुछ इस तरह से चार यहाँ पे दोस्तों हमारा ओटीपी, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ओटीपी आ चुका है हमारे मोबाइल नंबर पे। और दोस्तों यहाँ पे हम ओटीपी फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे आपको कंटिन्यू पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा वेरीफाइड हो चुका है। और दोस्तों हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर अब लिंक हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर अब लिंक हो चुका है दोस्तों, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अब लिंक का दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिंक हो चुका है दोस्तों। अब बात करते हैं कि आपका मोबाइल नंबर दोस्तों लिंक करने से फ़ायदा क्या होगा। दोस्तों फ़ायदा यह होगा कि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपना मोबाइल नंबर लिंक करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा दोस्तों। जैसे कि आपका एमएस टकाटक आईडी कोई हैक नहीं कर पाएगा, कोई दूसरा ओपन नहीं कर पाएगा। अगर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो कोई जल्दी आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके फायदे होते हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे तो कोई भी आपका आईडी हैक करना चाहिए या तो कोई भी आपका आईडी हैक करना चाहिए या ओपन करना चाहिए अपने मोबाइल में दोस्तों, तो उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, तो फिर वो मोबाइल नंबर आपके पास होगा तो वो ओपन नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो ये फायदा होता है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने का दोस्तों, कि और सिक्योरिटी आपके आईडी पे लग जाती है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना लिंक कर देना चाहिए दोस्तों, ये आपके अकाउंट के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों, अगर आप सच में वीडियो बनाते हैं दोस्तों। यदि आप एक एमएस टकाटक यूजर हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दोस्तों लिंक कर देना है दोस्तों, उससे आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में दोस्तों। तो नुकसान आपका कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, आप जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे तो वो दोस्तों बस आपका मोबाइल नंबर वहीं लोग देख पाएंगे जो एमएस टकाटक के टीम के जो लोग हैं, वहीं आपका मोबाइल नंबर जानेंगे दोस्तों, और दूसरा कोई मोबाइल नंबर आपका नहीं जान पाएगा। ठीक है, तो आपका मोबाइल नंबर भी दोस्तों यहाँ पे सेफ रहता है, कोई दूसरा आपका मोबाइल नंबर नहीं जान पाएगा, आपका मोबाइल नंबर कोई दूसरा दोस्तों निकाल भी नहीं पाएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिंक कर देना है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल वीडियो में इतना ही। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा दोस्तों, या फिर उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।